بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله عليه محمد وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله كما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین سب مل کے دعا سرکار مانگے سمانا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو الصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات بڑے محمد اللہ
दुआ है परवरदिगार आलम इन अय्याम अज़ा में हम सब की अज़ादारियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात की वजह से ये मजालिस रखी जाती हैं उन मकासद में भी हम सब को कामयाबी अता फरमा दे। इरशाद हुआ बक़ीयतुल्लाह खैरुम लकुम, एक ऐसा वजूद है जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा। ये वजूद तुम्हारे लिए बायस खैर है, बायस बरकत है अगर तू मोमिन बन जाए। शिया तमाम मुफस्सिर बयान करते हैं कि ये वजूद जिसे खुदा ने आज तक बाकी रखा, ये वजूद किसी और हस्ती का वजूद नहीं, ये वजूद इमाम ज़माना का वजूद है। अब इस वजूद में आम इंसान के लिए खैर है, बरकत है, और ख़ुदा ने इसको बाकी भी इसीलिए रखा है ताकि इंसानियत इस वजूद से खैर ले सके, बरकत ले सके। लेकिन मैं हमेशा एक सवाल करता हूँ कि जिस वजूद को ख़ुदा ने हमारे लिए बायस खैर बनाया, तो शायद कोई ऐसा शिया हो जो अपनी मजलिस की इब्तदा में भी मौला के ज़हूर की दुआ करे और इंतहा में भी दुआ करे। हम शुरू में भी करते हैं, एंड में भी करते हैं। इसका मतलब हम इस वजूद को मान रहे हैं, और ख़ुदा ये कहता है कि जो भी इस वजूद को मान लेगा मैं उसके बदले में उस इंसान को एक चीज़ अता करूँगा, और वो चीज़ यह है कि मैं उसकी ज़िंदगी में खैर लाऊँगा, मैं उसकी ज़िंदगी में बरकत लाऊंगा। और उलमा फरमाते खैर से मुराद सुकून है, खैर से मुराद इत्मीनान है। तो आज ये बातें कहने में तो बहुत अच्छी लगती हैं कि जिसने इमाम ज़माना के वजूद को मान लिया उसकी ज़िंदगी में खैर आएगा, लेकिन सवाल यह है कि हम में से कौन सा ऐसा मोमिन है जो वजूद को न मानता हो। हम सब के सब मौला के वजूद को मानते हैं, लेकिन सवाल यह है क्या वो खैर मेरी ज़िंदगी में है कि नहीं है, क्या वो सुकून मेरी ज़िंदगी में है कि नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि कुरान की आयत सलात व तनहा अनिल फहशा वल मुनकर, नमाज इंसान को फहशा से बचाती है, नमाज इंसान को मुनकर से बचाती है। तो मुझे ये देखना है कि मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ लेकिन क्या मैं फहशा से बचा हूँ कि नहीं बचा, क्या मैं मुनकर से बचा हूँ कि नहीं बचा। ये बिल्कुल ऐसा है कि डॉक्टर कहे अगर आप ये दवाई खा लोगे तो आपको शफा मिल जाएगी, तो आप पे करोगे उस डॉक्टर को, पैसे दोगे और दवाई खाओगे, अगर आप ठीक नहीं हुए तो उस डॉक्टर से पूछोगे नहीं कि आपने तो कहा था मेरा बुखार ख़त्म हो जाएगा, मैं विज़िट के लिए भी आया, मैंने पैसे भी दिए, मैंने दवाई भी खाई लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर कहेगा दवा में असर है, क्या तुमने प्रॉपर खाई थी? हाँ भाई मैंने प्रॉपर भी खाई थी, आपने कहा सुबह गोली लेनी है, दोपहर को लेनी है, रात को लेनी है, मैंने वो भी किया। लेकिन एक सवाल डॉक्टर साहब करेगा, क्या तुमने परहेज़ भी किया था कि नहीं किया था? यही अल्लाह का सवाल है। अरे मेरे बंदे, नमाज इंसान को फहशा से बचाती है, नमाज इंसान को मुनकर से मुनकरात से बचाती है। इसी तरह ये वजूद जिसे मैंने आज तक बाकी रखा, ये तुम्हारी ज़िंदगियों में खैर भी लाएगा, बरकत भी लाएगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। अगर तुम उस कंडीशन पे अमल करो तो ये वजूद तुम्हारे लिए बायस खैर बन जाएगा, और एक ऐसा सुकून कि इंसान रात को सोए तो सुकून से सोए। लेकिन आज अली का मानने वाला, अली का चाहने वाला, उसे रातों को नींद नहीं आती। मेरे लिए कौन सी चीज़ सुकून है? ये बरमला लोग पूछते हैं कि मौलाना रात को नींद नहीं आती लेकिन जब हल्का सा म्यूज़िक सुनता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। तो मेरे जिस्म को कुछ और चीज़ें सुकून दे रही हैं, मेरे जिस्म को वजूद इमाम ज़माना सुकून नहीं दे रहा। मुझे तब तक नींद नहीं आती जब तक मैं नींद की गोली न खा लूँ। तो इसका मतलब मैंने ज़िंदगी में कई और चीज़ों को सुकून बनाया हुआ है। 10 मिनट की नमाज मुझे सुकून नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही? कुरान ने एक शर्त बयान कर दी, फरमाया ये वजूद तुम्हारे लिए बायस खैर व बरकत आए, लेकिन तब बायस खैर व बरकत आए इन कुंतुम मोमिनीन, जब तक तुम्हारे वजूद में ईमान दाखिल ना हो जाए। अब ये ईमान है क्या?
कभी कहे हबीब उनको कह दो इस्लाम लेकर आए हो, ईमान लेकर नहीं आए हो। ईमान इंसान के वजूद को खालिस करता है। जब आप इस्लाम लाते हैं आप खालिस नहीं हो। पहली मंजिल यह है कि किसी दुकान से जाके फॉर एग्जांपल आप आपके घर में पानी नहीं है, एक लाइन लग जाती है आपके घर में पानी आता है, तो इसका मतलब इस घर में पानी आ रहा है, ये पहली मंजिल है। मिसाल देके बयान कर रहा हूँ। अब जो पानी आ रहा है, सवाल ये है कि पानी खालिस भी है कि नहीं है। ईमान उस पानी को खालिस करने का नाम है। नमाज सब पढ़ रहे हैं लेकिन सवाल यह है इसकी नमाज खालिस है कि नहीं। मजलिस सब सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं लेकिन सवाल यह है मेरी मजलिस खालिस है कि नहीं। आप कहेंगे मौलाना क्या मतलब खालिस है कि नहीं है? पर मैं मुनाफिक की एक निशानी यह है जब ये लोगों में नमाज पढ़ता है तो बड़े सुकून से पढ़ता है, लेकिन जब तन्हाई में पढ़ता है तो नमाज बड़ी तेज तेज पढ़ता है। मतलब इसकी नमाज लोगों में और है, अवाम में और है। इस्लाम तो लाया है लेकिन पर अभी तक खालिस नहीं हुआ है। इसके आमाल में दोगानगी है, इसके आमाल में दो रुखी है। सवाल यह है जब रोड पे चलता है और अगर किसी को सलाम करता है तो सलाम किस वजह से करता है? क्या सलाम इस वजह से करता है वो बड़ा आदमी है, वो मालदार है, वो किसी बड़ी पोस्ट पर है, या सलाम इसलिए करता है क्योंकि इस्लाम ने कहा है? और अगर चार लोग आते हैं या किसी एक के एहतराम में खड़ा हो जाता है, कभी उसकी चापलूसी करता है, इवन उसके सामने मुस्कुराता है, इसकी मुस्कुराहट की वजह क्या है? कि ये इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो बड़ी पोस्ट पर है, वो मालदार है। क्या इसकी मुस्कुराहट उसके ईमान की वजह से है या उसके जाहिर की वजह से है? अगर तू लोगों के जाहिर की वजह से उनका एहतराम करता है क्योंकि वो मालदार है तो उसके आगे सामने बढ़ जाता है, फरमाइए पहली निशानी है फिस्क व फुजूर की। इस्लाम तो लाया है लेकिन अभी तक इसका इस्लाम खालिस नहीं हुआ। और अहले बैत की ड्यूटी थी कि जिन लोगों ने इस्लाम लाया था अली का ये काम था कि उन लोगों को खालिस कर दिया जाए, जिस तरह जनाब सलमान फारसी को मौला अली ने खालिस किया, जिस तरह मैसम तम्मार को मौला अली ने खालिस किया। क्योंकि इन्होंने रिसालत पर ईमान तो लाया था लेकिन अंदर इनके दिलों में जो बुत बैठे हुए थे अभी तक इन लोगों ने उन बुतों को तोड़ा नहीं था। फरमाया शैतान जब तुम्हारे ऊपर हमला करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि तुम्हारे दिल में किस चीज़ की मोहब्बत है, तुमने किस चीज़ को अपने दिलों में बाइस ज़ीनत और हुस्न बनाया हुआ है। अब अगर ये कहते हैं कमज़ोरी, अब मुझे किसी इंसान की कमज़ोरी का पता चल जाए तो मैं बड़ा ईजिली उस इंसान को हैंडल कर सकता हूँ ना। हाँ, अल्लाह कहता है तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो या अल्लाह माफ़ सुदूर, लेकिन मुझे कैसे धोखा दोगे? मुझे तो पता है कि तुम्हारे सीनों में क्या है, मैं तो जानता हूँ तुमने अपने सीनों में क्या छुपाया हुआ है। तुम दुनिया के सामने तो दीनदार बन के घूम सकते हो लेकिन मेरे सामने कैसी दीनदारी, मैं तो तुम्हारे अंदर को जानता हूँ। यही वो चीज़ थी जो अहले बैत बनाने के लिए आए थे। तारीख के किरदार किस्से नहीं हैं, इन किरदारों को पढ़ो। शिम्र गया जहन्नुम में, यजीद गया जहन्नुम में, हमें उनसे कोई खौफ नहीं है। लेकिन दुनिया की माँ आज भी यजीदों को जन्म दे रही है, दुनिया की शिकम से आज भी शिम्र पैदा हो रहे हैं, दुनिया की शिकम से आज भी इब्ने मुल्जिम जैसे किरदार पैदा हो रहे हैं। ये नेतन्याहू, ये ट्रंप, ये क्या है? दुनिया आज भी जन्म दे रही है। तुम्हें किस चीज से डरना चाहिए? मुझे यजीद से नहीं डरना, वो तो मर गया। खालिदीन फीहा है, अजाब इलाही में मुब्तला है, जहरा के कातिल आज भी अजाब अबदी में मुब्तला है, मैं उनका तज़किरा क्यों करूं? लेकिन मुझे किस चीज से डरना है? मुझे उस सिफत से डरना है जिस सिफत ने उन लोगों को शिमर बनाया था, मुझे उन सेल्स से डरना है जिस सेल्स की वजह से उसके वजूद में ये इर्तकाब गुनाह में मुब्तला हुआ। माज़ाल ज़ुबैर, मौला अली का जुमला है, फरमाया बहुत करीब था कि ज़ुबैर मिन्ना अहलल बैत बन जाता, जिस तरह सलमान फारसी मिन्ना अहलल बैत बन गए, ज़ुबैर भी मिन्ना अहलल बैत बन सकता था। लेकिन वो कौन सी चीज थी जिसने ज़ुबैर को मिन्ना अहलल बैत बनने नहीं दिया? वो ये था कि ज़ुबैर ने खुद को खालिस नहीं बनाया था।
और ये तुम्हारी ज़िंदगी में कोशिश होनी चाहिए कि तुम्हारे वजूद में वो खुलूस और वो प्योरनेस पैदा होनी चाहिए, और जब तुम प्योर हो जाओगे फिर तुम इबादुस सालहीन और इबादुल मुखलसीन में से बन सकते हो। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। क्योंकि ये मैंने थोड़ा टच दिया, ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, सिर्फ इशारा करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। तो फरमाए जब तक ईमान नहीं लाओगे, ईमान का मतलब ये है कंप्लीट खालिस हो जाओ परवरदिगार आलम के सामने। खुदा खालिस और मुखलस लोगों को पसंद करता है। शैतान ने क्या कहा था, लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादुक मिनहुमुल मुखलसीन, सबको गुमराह कर दूंगा लेकिन ऐ खुदा तेरे मुखलस खालिस बंदों को कभी गुमराह नहीं कर सकता। फरमाए अम्बिया मुखलसीन में से, ये मकाम बहुत बड़ा है, हम शायद उस मकाम पे पहुंच न सकें लेकिन हम अहले बैत के साथ तो चल सकते हैं ना, मईयत में माकुम फिद दुनिया वल आखिर, यही दुआ ज़ियारत आशूरा में करते हो, ऐ खुदा मुझे मईयत अहले बैत अता कर। जब मईयत अहले बैत में होगी तो तुम्हारे वजूद में भी रंग मुखलसीन होगा कि तुम्हारा वजूद भी लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाएगा। एक मरतबा मैं एक टॉर्च एक बल्ब को जलाता हूँ और उसे फॉलो करता हूँ, एक मरतबा मेरा वजूद टॉर्च और बल्ब बन जाता है, मैं लोगों के लिए रोशनी बन जाता हूँ, मैं लोगों के लिए बायस हिदायत बन जाता हूँ, जिस तरह अहले बैत लोगों के लिए हिदायत के मना रहे थे। तो फरमाइए नूर और ईमान तुझे पैदा करना होगा। कब होगा ये? तब होगा, पहली मंजिल यह है जब तू अपने इमाम की मारिफत को हासिल कर यकीन कर लेगा कि कोई है जिसके फैज़ मुतलक से ये कायनात चल रही है। इसकी दलील मैं ये देता हूँ कि शब मेराज सुभान अल्लज़ी असरा बेअब्दिही लैलम मिन अल मस्जिद अल हराम इला अल मस्जिद अल अक्सा, जब खुदा ने हबीब को मेराज पर बुलाया। हदीस मेराज बहुत बड़ी है, अहले सुन्नत ने भी अपनी किताबों में लिखी, लेकिन फरमाया जब नबी मेराज पर जाते हैं, फरमाया वो उस वक्त वुजू कर रहे थे, गालिबन नमाज तहज्जुद के लिए उठे थे, और जैसे मेराज पर बुलाया जो पानी बह रहा था वो वहीं पर रुक गया, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी उसने हिलना छोड़ दिया, बिस्तर की गर्मी वहीं पर थम गई। अब हदीस मेराज बहुत बड़ी है कि नबी कितनी देर मेराज पर रहे, इतने वाकयात बताए कि मैंने जन्नत में ये नेमतों को देखा, मैंने लोगों पे इन अजाबों को देखा, मैंने मुअज्जबीन पर ये अजाब देखा, सब कुछ नबी देख कर आए, और जितनी देर वहां पर रहे दुनिया थमी रही, दुनिया रुकी रही। और फरमा जब मेराज सर वापस आए तो असहाब ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह इतनी देर आप वहां थे तो दुनिया रुकी रही? फरमाया हाँ, जब मैं गया था तो कुंडी रुक गई थी, लेकिन जब वापस आया तो कुंडी ने फिर हिलना शुरू कर दिया, पानी ने फिर बहना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह ये माजरा है क्या, कितनी देर आप पे रहे? फरमाया वहां का वक्त यहाँ के वक्त के मुतरादिफ नहीं है, वो वक्त और था, लेकिन जितनी देर में वहां पे रहा ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात रुकी हुई थी। या रसूल अल्लाह ये कैसे मुमकिन है? नबी ने फरमाया ये बिल्कुल इसी तरह मुमकिन है, जब तक रूह तुम्हारे बदन में होती है बदन में जुम्बिश होती है, लेकिन जब रूह बदन से जुदा हो जाती है तो बदन की हरकत खत्म हो जाती है। फरमाया मैं रूह कायनात हूँ, जब तक कायनात में था तो कायनात में हरकत मौजूद थी। तो है मुसलमान मुझे ये बता, आज नबी खुदा कायनात में नहीं है लेकिन कायनात थमी नहीं है, आज तुझे रिज़्क भी मिल रहा है, तुझे औलाद भी मिल रही है, तो कम से कम इतना मानना पड़ेगा कि आज भी कोई रूह कायनात है। जिस रूह कायनात की वजह से तुझे सब कुछ मिल रहा है, और ये रूह कायनात कौन है? यही बकियतुल्लाह खैरुन लकुम है, कि जिसको सूफिया कुतुब आज़म कहते हैं कि अगर ये कुतुब न हो, नूर मुत्तसिल बैन अल-अर्ज़ वस्समा, एक ऐसा नूर है जो ज़मीन और आसमान को मुत्तसिल करके बैठा हुआ है, वरना अगर ये नूर न हो इंसानों के गुनाहों से ज़मीन कब का अज़ाब नाजिल कर दे, इंसानों को निगल जाए। ये इस नूर की रहमत की वजह से है कि ज़मीन भी सब्र में है और खुदा भी सब्र में है। उस दिन का सब्र कि जब ये नूर इस कायनात में आश्कार होगा, तो पहला ये यकीन कि अगर मैं जी रहा हूँ मुझे फैज़ मिल रहा है, तो वो फैज़ इमाम के सदक़े में मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि मैंने ख़ुद को उस इमाम से कितना मुत्तसिल किया? मुत्तसिल इंसान तब तक नहीं होगा जब तक इंसान ख़ुद को खालिस नहीं कर लेता। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले।
فرج ہو. ہم خود کو خالص کیسے کریں؟ کبھی کبھی ہماری زندگی کا ایک ایکشن, ایک قدم ہمارے زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے, لیکن وہ ایک ایسا قدم ہو کہ جس کے بعد انسان پلٹ کر دوبارہ نہ خالصی کی طرف نہ جائے. اس کی مثال ہم ایسے دیتے ہیں کہ مثلاً انسان, آپ کسی سے گاڑی لینے گئے اور آپ نے کہا آپ نے گاڑی کتنے میں خریدی ہے, وہ کہے کہ مولانا میں نے گاڑی جو ہے فار ایگزامپل 100,000 میں خریدی ہے. اب میں ریسرچ کروں کہ واقعاً اس نے گاڑی 100,000 میں خریدی ہے کہ نہیں, اور جب میں نے ریسرچ کی مجھے پتہ چلا ہاں اس نے 100,000 میں خریدی ہے, تو آپ کہو گے یہ کیا بول رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں. یہ پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا جائے کیا یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے یا صرف آج سچ بول رہا ہے. جو کبھی کبھی سچ بولے وہ مسلم ہے, لیکن جو ہر کنڈیشن میں سچ بولے, یعنی اگر یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے, اس کو کہتے ہیں ملکہ. یہ سچ اس کے وجود کا ملکہ ہو گیا ہے, یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ دوسری کنڈیشن. تیسری کنڈیشن ہے جس کو صدیق کہا جاتا ہے, یعنی سچ اس کے ذات کا حصہ ہے, گویا سچ اس کے خون میں, اس کے گوشت میں ملا ہوا ہے. وہی کنڈیشن ہے جس کے لیے آیہ قرآنی آتی, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. طہارت بھی نہیں ہے, تطہیرا, یعنی ان کے وجود میں طہارت سمائی ہوئی ہے, ان کے وجود سے خیر کے علاوہ کوئی چیز صادر ہو ہی نہیں سکتی. جیسے پانی کا چشمہ ہے, وہاں سے پانی نکلے گا, ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں سے پیٹرول نکل آئے. اس کا وجود ہی ایسا ہے کہ اس سے پانی نکلے. یعنی پیاس بجھانا پانی کی فطرت ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی پانی پیاس نہ بجھائے, میٹھا پانی. اسی طرح اہل بیت کا وجود طہارت کا معیار ہے, یہ طہارت ان کے وجود کا حصہ ہے, یعنی ان کے وجود سے خیر کے علاوہ تو جو کچھ مل ہی نہیں سکتا, اتنے خالص ہو چکے ہیں. تو جب تیسری منزل پر بندہ پہنچتا ہے تو تب اہل بیت فرماتے ہیں السلمان منا اہل بیت ہے, یعنی سچائی صداقت. یعنی کہ کبھی کبھی ہمارا وجود کیسا ہے کہ آج میں سچ بول رہا ہوں, کل جب پریشانیوں میں آتا ہوں تو کل جھوٹ بول لیتا ہوں. اس کا مطلب میرا وجود خالص نہیں ہے. اس طرح تجھے ایمان لانا ہے. کہ میں ہمیشہ مثال دیتا تھا کہ یہی پاکستانی جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو سگنل توڑتے ہیں, ٹریفک رولز توڑتے ہیں, اور یہی پاکستانی جب انگلینڈ جاتے ہیں, آسٹریلیا جاتے ہیں, کوئی تو انسان کے بچے بن جاتے ہیں. رات کے 2 بجے بھی سگنل کے پیچھے کھڑا تھا, میں کہا آگے بڑھو کر نہیں مولانا. انسان ایسا کیوں ہے؟ یہاں آتا ہے تو اور ہے, وہاں جاتا ہے تو اور ہے. اس کا مطلب اس کے وجود میں تبدیلی باہر سے آ رہی ہے, اندر سے نہیں ہے. اگر یہ اندر سے بدلا ہوا ہوتا تو ہر جگہ بدلا ہوا ہوتا. یہ کیسا انسان ہے کہ یہاں پہ اس کی ایکٹیویٹی وہی ایکٹیویٹی, یعنی سگنل تو سگنل ہے بھائی, ریڈ تو ریڈ ہی ہے. اب یہ نہیں وہاں کے ریڈ پہ کوئی سونا لگا ہوا تھا تم رک گئے. ہاں ریڈ سگنل تو ریڈ سگنل ہے, لیکن یہ اس ریڈ سگنل کو نہیں مانتا, اس ریڈ سگنل کو مانتا ہے. اس کا مطلب اس کی زندگی میں معیار کچھ اور ہے, ایکسٹرنل معیار ہیں, انٹرنل معیار نہیں ہے. یہ اصول زندگی اہل بیت تھا. کہ میں نے کل کی مجلس میں بھی کہیں پر کہا تھا کہ جب مولا جنگ صفین ان کے پانی پر قابض ہو جاتے ہیں تو اپنے لشکر والے آ کر علی کو کہتے ہیں یا علی بس اب جنگ تم جیت گئے. امام نے کہا کیسے جیت گئے؟ تو 3 دن پانی بند کریں گے, پیاس کے عالم میں. اور حقیقت تھی واقعہ, اگر علی 3 دن پانی بند کرتے پورا لشکر مولا کے پاس آ جاتا. تو میں فرماتے ہیں علی پانی بند نہیں کرے گا, سیم سچویشن ہے علی کی. ان تمام تر اہل بیت کے وجود میں تم رد و بدل نہیں دیکھو گے. امام فرماتے ہیں اصول الہی ہے کہ پیاسے پر پانی بند نہیں کیا جاتا. کہ یا علی اس نے پانی بند کیا تھا, آپ بھی پانی بند کریں. امام فرماتا اگر اس نے بند کیا تھا اور علی بھی بند کرے, پھر علی میں ابو سفیان کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ یہی تو یہ جو
رواج باتیں ہوتی ہیں نا مولانا, وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کر دیں. بھائی تمہارے اصول پکے ہونے چاہیے, وہ علی ہوں یا حسن ابن علی ہوں یا حسین ابن علی ہوں, یہی آقا حسین ہے, ہر کا لشکر آتا ہے. چاہتے تو پانی بند کرتے, جان رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ لشکر مارنے آیا ہے. فرمایا ہر نے حسین ابن علی کو مستاصل کر دیا تھا کہ امام کہہ رہے تھے واپس جاؤں نہیں, بصرے کی طرف جاؤں نہیں, یمن کی طرف جاؤں نہیں, کہیں مولا کو جانے نہیں دے رہا تھا. رکنے بھی وہاں دیا جہاں ہر نے اجازت دی, کہ اس دائرے سے آپ نہیں جا سکتے. امام نے کہا یہاں رک جاؤں, کہا اس شرط میں رک جاؤ کیونکہ یہاں کے لیے مجھے کوئی پیغام نہیں آیا, آپ رکے رہو جب تک کوفے سے کوئی پیغام آئے, پھر میں آپ کو بولوں گا آپ کو کہاں جانا ہے. اس قدر امام حسین کو ہر نے تنگ کیا, اور اس ہر کو امام حسین پانی پلا رہے. یہ وجود وجود خالص ہے, اس وجود سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا, چاہے سامنے دشمن بھی ہے لیکن اس وجود سے خیر نکل رہا ہے. یہ وجود خیر سے بھرا ہوا ہے کہ جناب عباس فرماتے ہیں یہاں تک امام حسین نے کہا کہ عباس گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ. اور یہ جملہ کم ممبر سے بیان کیا جاتا ہے, فرمایا کہ عباس جب تک گھوڑا سیراب نہ ہو جائے, یہ کہوں جب تک وہ اپنا منہ نہ ہٹائے تم پانی مت ہٹانا. اور یہ آج پتا چلا ہے کہ گھوڑا تب تک پانی پیتا ہے جب تک سیراب نہ ہو جائے. ہاں یعنی اگر وہ پانی پی رہا ہے, اپنے پانی ہٹا دیا, اس کا پیٹ ابھی تک سیراب نہیں ہوا, وہ جب سیراب ہوتا ہے پھر اپنے منہ پانی سے دور کرتا ہے. یعنی حسین انسان کی فطرت کو بھی جانتے ہیں اور حیوان کی فطرت کو بھی جانتے ہیں. یہ امام مبین کا کردار ہے کیونکہ ان کا وجود خالص ہے, ان کا وجود خیر محض ہے, اس وجود سے خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکل سکتا. اور اس کی زندہ دلیل یہ ہے کہ جب شمر آقا حسین کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے تو امام اس وقت بھی چاہ رہے ہیں کہ اس شخص کو بھی تھوڑا خیر دیا جائے. جاتے جاتے بھی حسین خیر بانٹ رہے ہیں, جاتے جاتے قاتل ہے سینے پر سوار ہے, فرماتے تم نے جتنی خطائیں کی میں بخشوانے کے لیے تیار ہوں, اب بھی وقت ہے, میرے وجود سے خیر لے لے, ضمانت لے لے جنت کی. کہتا ہے نہیں. روایت میں اس نے چھری چلائی لیکن چھری چلی نہیں, کیونکہ امام نے فرمایا تم اگر کاٹو گے گلا نہیں کٹے گا کیونکہ یہ بوسگاہ ہے رسول ہے. پھر امام نے اسے آفر دی, ایک عجیب آفر ہے تاریخ میں, فرمایا میرے بدن میں اتنے زخم ہیں اگر تو بھی مجھے نہ مارے میں خود بخود مر جاؤں گا. چوتھے ماں فرماتے رب ہوں اللہ رب, ہزار سے زیادہ زخم. فرمایا شمر تجھے یہ شوق ہے کہ حسین مر جائے تو ایک کام کر ابھی میرا گلا نہ کاٹ, اتنی مہلت دے, بدن سے خون جاری ہے, میں خود بخود میری روح پرواز کر جائے گی لیکن مجرم نہ بن اتنا بڑا گناہ کر کے کہ جس کی بخشش قیامت میں نہیں. ہر گناہ کی بخشش ہے لیکن قتل نفس زکی کی بخشش نہیں ہے, قتل ایمان کی بخشش نہیں ہے. کہ تھوڑی دیر سائڈ میں رک جا, حسین کا خون بہے گا, حسین خود دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن اس ملعون میں اتنی مہلت بھی امام کو نہیں تھی. سوال یہ انسان اتنا شقی کیسے بنتا ہے جب اس نے کلمہ پڑھا, جب اس نے رسول کا نام لیا. اگلے سال عمر ابن سعد کہتا ہے میں نے شمر کو میں نے کعبۃ اللہ کے نیچے طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا, کعبے کے نیچ کے نیچے بیٹھ کے استغفار کر رہا ہے پروردگار عالم سے. اور اہل سنت اس شمر سے دو حدیثیں اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں, ناقل حدیث بھی ہے, جنگ صفین میں علی کے ساتھ بھی ہے. لیکن سوال یہ اس ڈیوریشن آف ٹائم میں اس انسان کے ساتھ ایسا ہوا کیا؟ انسان کو ڈرنا چاہیے نا کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اندر سے اتنا بدل جائے, مطلب یہ اتنا خطرناک ہے شیطان, انسان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے. یہ بالکل فرمائیے جو چھوٹی چھوٹی صفات تمہارے وجود میں ہیں, یہ بالکل ہم کہتے ہیں غدد, جو کینسر کے غدد ہوتے ہیں انسان کے باڈی میں, اگر وہ اندر پھٹ جائے تو ود ان دی ڈیز انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ جو ناخالصیاں
तुम्हारे वजूद में है या तुम्हारे वजूद को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। मेरा सवाल एक जवान से, एक मुस्कुराहट किसी नामहरम को, एक मुस्कुराहट, सिंगल स्माइल, एक नौजवान लड़की किसी लड़के के सामने मुस्कुराए, क्या ये बड़ा गुनाह है? या ये आपस में एक गलत ताल्लुक कायम करें, वो बड़ा गुनाह है? तो सब कहेंगे मौलाना मुस्कुराना छोटा गुनाह है, जिना एक बड़ा गुनाह है। लेकिन दीन इस तरह नहीं देखता, ये छोटा है या बड़ा है। कुत्ता मां की एक मुस्कुराहट ने अपने मुलजिम को कातिल बना दिया था, जिना का गुनाह नहीं हुआ था उनके बीच में। जस्ट एक स्माइल, जस्ट एक मुस्कुराहट ने उसके वजूद में तलातुम लाया और उसकी वजह से वो कातिल अली इब्न अबी तालिब बन गया था। तो कभी कभी एक छोटी सी तुम्हारी आदत तुम्हें शैतान बना देती है, तुम्हारी निगाहों में वो छोटी है लेकिन कल जाके वो बड़ी बन जाती है। वो जुबैर जो दिफाए अली इब्न अबी तालिब पे तलवार उठाता है, जिसके लिए फरमाया कि बहुत करीब था कि जुबैर मिन अहलल बैत बन जाता। जुबैर का मकाम कम नहीं है, फूफी का बेटा है अमीरुल मोमिनीन की। लेकिन इमाम फरमाते हैं, ये कुरान की आयत है जो मैं कल वक्त मिला तो पढ़ूंगा, फरमाया अपने बेटे की वजह से दुश्मन अहले बैत बन चुका था, अपनी औलाद की वजह से। यही छोटी छोटी चीज़ें, खलीफा सानी के ज़माने में इस पे 5 मजालिस इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो पढ़ूंगा, वो कौन से असहाब थे कि जिनको खलीफा सानी के ज़माने में, जनाब उमर के ज़माने में सबसे ज़्यादा दौलत मिली, जिनमें एक शुमार जनाब ज़ुबैर का है। अरबी जबान में लफ्ज़ मिलियन नहीं है, ये जो मिलियन हम कहते हैं ना, 1 मिलियन, 1 मिलियन, मिलियन नहीं है। लेकिन जब जुबैर दुनिया से जाता है, इसकी इतनी दौलत थी कि अल्फ 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 कह रहे थे, यानी मिलियन अरबों को कहना नहीं आ रहा था, लेकिन गिने तो कैसे गिने। जिसके तकसीम अमवाल पे परेशान थे कि इसका माल तकसीम कैसे करें, 20-20 मिलियन दिरहम इसकी दौलत में था, 20-20 मिलियन। वो लोग जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे इस्लाम के आने के बाद, इतनी दौलत। और इनके बच्चे देखें, जुबैर का बच्चा, तलहा का बच्चा, ये आप सारे देखेंगे, साद इब्न अबी वक्कास का बेटा, ये सारे अमीरों में से थे जिनको सबसे ज्यादा खलीफा सानी के जमाने में नवाजा गया, पैसा दिया गया, दौलत दी गई। और इस दौलत ने उनको कहां से, इनके बच्चे, नस्लें आप इनकी देखें, इन सब के बच्चे या करबला में खड़े हैं या कातिल अहले बैत बन चुके हैं। तो कुरान में आला इल्लियीन का दर्जा भी है, असफल साफलीन का दर्जा भी है। ये तुम्हारा अपना किरदार है कि तू आला इल्लियीन में जाता है या असफल साफलीन में जाता है। अल्लाह किसी को ब्लैंक चेक नहीं देता कि तू अली का बेटा है तो तुम्हें ब्लैंक चेक है, तू सहाबी का बेटा नहीं। इन अकरमकुम इंदल्लाह यत्काकुम, तू अपने चुनाव से जन्नती बनता है। यहां कोई रिश्तेदारी चल रही है कि फला सहाबी है, फला सहाबी का बेटा है, नहीं, तुम्हें तारीख के औराक में यह देखना है। और यह कैसी सोच है कि ये बातें मिंबर से न की जाए, मुशाजरात सहाबा ना पढ़, क्यों ना पढ़े जाए, जब कुरान बारीक से बारीक चीजों को बयान कर रहा है। जब आदम भी तरके औला करे तो खुदा कुरान में बयान कर रहा है, तो आदम से बड़ा कोई हो सकता है? जब नबी से तरके औला हो सकता है तो किसी सहाबी से क्यों नहीं हो सकता? लेकिन खुदा बताता है फताब अलैह इन्नहु तवाबुर रहीम, हाँ उसने तरके औला भी किया, उसके बाद उसने तौबा भी मांगी, फिर मैंने अहले बैत के सदके में उसे बख्श भी दिया था। सलावत पढ़े मोहम्मद वाला। जरूरत इस बात की है कि आप एक इल्मी माहौल बनाएं, जिस तेजी से दुनिया निफाक की तरफ जा रही है, फिस्क व फुजूर की तरफ जा रही है। और मैं आखिरी जमाने में लोगों को नाखालिस करने के लिए शैतान चंद हरबे लड़ेगा। उसका पहला हरबा यह है, वो गुनाह करने की रुकावटों को खत्म कर देगा। यानी पहले अगर किसी जवान को कोई गंदा काम करना भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गंदी मूवी देखनी हो, कोई गंदी चीज़ देखनी हो, उसे जहमत होती थी एक चीज़ को ढूंढने में,
گناہ کرنے میں بھی زحمت پڑتی تھی، ڈر تھا، خوف تھا، معاشرے کی رکاوٹیں تھیں، لیکن فرمایا آخری زمانے میں یہ اتنی آسانیاں پیدا کرے گا، آن ون کلک یہ گناہ کرنے کے لیے اتنا گناہ یعنی بالکل ریڈی کر کے اس کے پلیٹ میں رکھے گا، آخری زمانے میں یہ ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ دوسرا کام بھی کرے گا، تو دوسرا کام یہ ہے یہ معاشرے سے قبح گناہ کو ختم کر دے گا، یعنی کوئی ایسا زمانہ تھا کہ لوگ کسی چیز کو برا سمجھتے تھے، لیکن بائی ٹائم ٹائم کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو بری تھی وہ آج بری نہیں لگنے لگی۔ مثلا آج سے 40 years before 50 years آپ پیچھے چلے جائیں، جو معیار 40 سال پہلے تھے کہ آج بھی وہی معیار ہے؟ جو خواتین کے 40 سال پہلے معیار تھے، 50 سال پہلے معیار تھے، وہ آج معیارات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی بائی ٹائم یہ قبح ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو قبیح نہ سمجھے۔ بڑی آسانی سے یہ دوست دوسرے دوست کو بتائے کہ میرے فلانا محرم سے اتنے تعلقات ہیں، برائی نہ سمجھے۔ چار دوست آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوں، ان کو برائی نہ لگے کوئی مجھے گالی دے رہا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں کر رہے ہوں، ان کو برائی نہ لگے کہ کوئی گناہ ہے۔ تیسرا کام جو سب سے بڑا خطرناک ہے، پہلا رکاوٹوں کو دور کرے گا، دوسرا قبح گناہ کو ختم کرے گا، تیسرا اتنا ختم کر دے گا کہ یہ اس گناہ پہ فخر کرے گا، مفاخرہ کرے گا۔ آج یہ ٹک ٹاک اسٹار یا معاشرے میں جتنی گندگی پھیل چکی ہے، یہ اپنے کاموں پہ فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے گول بناتا ہے۔ جب یار میرا یہ ہو جائے کہ مجھے فار ایگزامپل یوٹیوب کا گولڈن بٹن ملے اور سلور بٹن ملے، ایک معیار بنایا نا، اب آپ اس معیار کو اچیو کرنے کے لیے آپ کا کانسیپٹ کیا بنا؟ فار ایگزامپل مجھے 1,00,000 سبسکرائبر چاہیے، جو لوگ سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہیں ان کو پتا ہوگا۔ اس نے آپ کے لیے گول بنایا، اس کو انگلش میں گول کہتے ہیں، ہدف بنایا، مقصد اس نے آپ کا، آپ کے لیے مقصد اس نے بنایا، آپ نے نہیں بنایا، وہ آپ کے لیے ایک مقصد بنا رہا ہے کہ اگر تم نے 1,00,000 سبسکرائبر بنا دیے تو میں تجھے سلور بٹن دوں گا۔ اب اس کی تمام جد و جہد کیا ہے کہ مجھے 1,00,000 سبسکرائبر مل جائیں۔ کیسے ملیں؟ اہمیت نہیں۔ کیا کروں تاکہ ملیں؟ اہمیت نہیں۔ کون مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں؟ مومن کر رہے ہیں، منافق کر رہے ہیں؟ کوئی اہمیت نہیں، بس مجھے سبسکرپشن چاہیے، مجھے 1,00,000 تک۔ اچھا میں کیا کروں تاکہ 1,00,000 سبسکرائبر ملیں؟ کچھ بھی کرو، گانا گاؤ، ناچو، کسی کو تنگ کرو، روڈ پہ بیٹھ کر کسی کے ساتھ پرینک کرو، لوگوں کی عزتیں اچھالو، لوگوں کا ٹائم ضائع کرو، کچھ بھی کرو۔ کیوں؟ اس کی مینٹلٹی میں شیطان نے اس کی سوچ کو بدل دیا، اس کے سافٹ ویئر کو اس نے بدل دیا۔ اب یہ پوری زندگی غلط سافٹ ویئر پہ چل رہا ہے، پوری زندگی اس کی ایکٹیویٹی غلط چل رہی ہے۔ اس نے کلمہ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھا ہے، لیکن عمل میں شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت کہ انسان وعبد ربک، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ یاسین، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ خدا کس کو کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کو۔ اے خدا، جس نے تیرا کلمہ پڑھا، جو صبح تیری نماز پڑھے، جو دوپہر تیری نماز پڑھے، جو مجلس میں آئے، جو حسین کا نام لے، تو اسے کیسے کہہ سکتا اللہ تعبد الشیطان؟ ہے کوئی ہم میں سے جو یہ کہے میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں؟ کوئی کہتا نہیں ہے، پر عمل میں کرتے ہیں۔ عبادت کا مطلب کہ جس کا تم کہا مانو، تو ایک قبح گناہ کو ختم کرے گا، پھر لوگوں فخر کریں گے لوگ اپنے گناہ پہ۔ پہلے شراب پینا قبیح تھا، ایون اگر وہ انڈین کا معاشرہ ہوا، پرانے زمانے کی فلمیں اٹھائیں گے تو اس میں کہتے تھے گناہ ہے، کہ خود ان کے اپنے دین اور مکتب میں شراب حرام ہے، لیکن آج فخر سے پیتے ہیں۔ ڈانس کرنا، ناچ کرنا، آپ کی شادیوں میں مسلم لڑکیاں ناچ رہی ہیں، لوگ بلائے جاتے ہیں، ریکارڈ کرو، ریکارڈ کرنے کے بعد فیس بک پہ رکھا جائے، اس کا مطلب فخر کر رہی ہے نا، یہ ناچنے پہ فخر کر رہی ہے، یہ گانے پہ فخر کر رہی ہے۔ الغنا اشد من الزنا، یہ زنا کر کے فخر کر رہی ہے۔ کیا یہ چیزیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں؟ کیسے یہ وجود میرے لیے باعث خیر بنے گا جب تک میں خالص نہیں بنوں گا؟ دو چیزوں کی مجھے پرواہ ہے، یا مجھے خدا کی پرواہ ہونی چاہیے، یا مجھے لوگوں کی پرواہ ہونی چاہیے۔
लेकिन शैतान मुआशरा ऐसा बना देगा कि लोग एक समत में जा रहे होंगे लेकिन सिरात मुस्तकीम किसी और राह पे जा रही होगी। अब ये इंसान ड्यूल माइंडेड हो जाता है, मैं करूँ तो क्या करूँ, कहीं पर तो मकाम इम्तहान आए कि खुदा की सुनूँ या बीवी की सुनूँ, बच्चे की सुनूँ या अली की सुनूँ, माल की सुनूँ या हुसैन की सुनूँ। तो अब तुम्हारी सिलेक्शन क्या है? अगर तुम्हारी सिलेक्शन वही है जो अहले बैत की सिलेक्शन है, किसी जवान ने कहा मौलाना मुझे समझ नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं, मैंने कहा एक सिंपल सा मशवरा दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं तुम्हें, जो भी जिंदगी में काम करो करने से पहले ये सोचो अगर मेरा इमाम ज़माना होता तो क्या करता, अगर मौला हुसैन होते तो क्या करते। किसी को देख रहे सोचो हुसैन कैसे देखते, मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ो सोचो हुसैन नमाज पढ़ते तो कैसे पढ़ते, हुसैन मुनाजात, जब जिंदगी उनके साए में गुजरेगी तभी जिंदगियों में नूर इलाही नाजिल हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, महसूस करो अपनी जिंदगियों को, खालिस करो अपने वजूद को। दिल धड़कता है कुछ चीज़ों के लिए, हार्ट बीट कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है। क्यों ऊपर जाती है? जब किसी से कोई जज्बात मिलते हैं, बेटे से मोहब्बत है सुनोगे एक्सीडेंट हुआ हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, माँ से मोहब्बत है सुनोगे बीमार है हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। तो इसी तरह क्या तुम्हारा दिल खुदा के लिए धड़कता है कि नहीं, इस वजूद में गैरत अलवी है कि नहीं, जब तुम किसी को गुनाह करते हुए देखते हो तो ये हार्ट बीट तेज़ होती है कि नहीं, जब लोगों को फिस्क फजूर करते हुए देखते हो क्या दिल धड़कता है कि नहीं। इस तरह अली का दिल धड़कता था। जनाब अबाज़र या कुमैल कहते हैं कि मैंने देखा मौला मस्जिद में और कुएं में सर डाल के अली रो भी रहे हैं और फरियाद भी कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं मौला मुनाजात पढ़ रहे थे, नहीं, अगर मुनाजात पढ़नी होती तो मौला साहब को बिठाते थे सजदे में रोते थे, दुआए कुमैल है मुनाजात अमीरुल मोमिनीन है, मौला मुनाजात छुप के नहीं पढ़ते थे, लोगों को बिठाते थे वो सुने वो लिखें ताकि हम इस्तफादा लें। कहते जैसे मैं पहुंचा तो अली ने सर बुलंद किया तो देखा मौला के पूरे रुखसार आंसुओं से गीले और मुझे कहा कि पार्लियामेंट जनाब आवाज आते कि तुमने सुना तो नहीं ना कि अली क्या कह रहा था। यानी कुछ ऐसी बातें थीं जो अली नहीं चाहते थे कोई सुने। फरमा सबसे बड़ा दर्द अहले बैत के लिए यह था कि हम सुनाना चाहते हैं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम बताना चाहते हैं कोई हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, हम लोगों को ज़बरदस्ती जन्नत में डालना चाहते हैं लेकिन हमें कहते अली हमें जन्नत में नहीं जाना। ये दर्द था अली इब्न अबी तालिब का। और क्या करें हुसैन इब्न अली करबला में जाना, और क्या करें सैयदा, और क्या करें इमाम हसन, इतनी कुर्बानियां दी। सूरह जुमा की आयत वाइजा अव तिजारतन अव लहवन फद्दू इलैका वतरकूका क़ाइमा, जब ये लोग इन फजूलियात में पड़ जाते हैं, जब ये लहव लाइफ में पड़ जाते हैं, जब जिंदगी के कामों में पड़ जाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं क़ाइमा, ये क़ाइम आले मोहम्मद खड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि इमाम का क़ियाम होना है, क़ियाम 1000 साल से हो चुका है, ये मौला तेरे इंतज़ार में खड़ा है। लेकिन फरमाए वतरकू का है, ये उसे छोड़ के चले जाते हैं और वो रोज़ इन लोगों को बुला रहा होता है। क्या मस्जिद के मनारों से आवाज़ नहीं आती है हय्या अलस्सलाह, क्या तू रब को तर्क करके नहीं जाता, क्या कुरान रोज तुझे सदा नहीं देता, क्या नहजुल बलागा तुम्हारे घरों में तुझे आवाज नहीं देती, बुला रहे हैं। जरूरी तो नहीं कि फिजिकल आवाज तुम्हारे कानों में पड़े तो तुम फिर कहो कि माम मुझे बुला रहे हैं। ये नहजुल बलागा क्या है, ये सईफ़े सज्जादिया क्या है, ये दुआ अबू हमजा समाली क्या है, ये दुआ अरफा क्या है, ऐसी ऐसी दुआएं कि एक बहुत बड़ा कराची का बिजनेसमैन शिया नहीं था कहा मौलाना मैं दुआ कुमैल पढ़ के आधा शिया हो गया हूं। मैंने कभी आपने कुमैल पढ़ी है दुआ अरफा पढ़ी है? और जब उसने दुआए अरफा पढ़ी कब मैं पूरा शिया हो गया हूँ। ऐसे इमाम आपके पास हैं, ऐसी तालीमात आपके पास हैं कि जो तुम्हें पूरा सलीका सिखा रहे हैं कि खुदा से बातें कैसी करनी है। किसी के पास ऐसे खजाने नहीं हैं।
लेकिन इंसान महरूम है। अली इब्न महज़ियार 21 to 22 years पूछा किसी से कि मुझे अपने इमाम से मुलाकात करनी है, कैसे मिलूं? तो किसी आलिम ने कहा कि अली इब्न महज़ियार, इस कायनात में एक जगह ऐसी है जहाँ पे यकीनन इमाम ज़माना आते हैं, यानी 100%। कौन सी? इमाम पर हज वाजिब है और वह हज पे ज़रूर आते हैं। सामान्य सफ़र बांधा, हज पे गया, एक साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, 20 साल गुजर गए, हारा नहीं, यकीन टूटा नहीं। 21वें साल जब गया या 22वां साल, तो कहता मैंने गिलाफ़ काबा को पकड़ा और हिला हिला के कहने लगा कि परवरदिगारा, तुमने अपनी हुज्जत को मुझसे क्यों छुपाया है? खुद कहते हो तो नहीं सजब लकुम, मांगो मैं तुझे अता करूंगा, 21 साल से तेरे दर का सवाली बन के बैठा हूं, क्यों इन आंखों से उस वजूद को तुमने छुपाया हुआ है? का जब रोकर खिलाफ काबा को हिला हिला कर ये कहा और दर्द दिल किया, तो अचानक मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रखा, कहा कि अली इब्न महज़ियार, उसने नहीं छुपाया, वो तो जाहिर है, तेरे बाज नाखालिस चीजों ने उसे छुपाया हुआ है। कहता मुड़ के देखा एक असीब सा जवान है, कहा आप कौन? कहा तेरे इमाम ने मुझे तेरी तरफ भेजा है, आओ उन्होंने शरफ मुलाकात बख्शना चाहते हैं। कहा खुशी के आलम उसके पीछे चलता गया, लंबी कहानी है। एक सहरा में पहुंचा, उस सहरा में एक खेमा था, उस खेमे से कोया सब्ज रंग का नूर निकल रहा था। मुझे कहा कि अली इब्न महज़ियार यहीं पर रुक जाओ, अंदर जाऊं इजाज़त मांग के आऊं, अगर इज़्ज़त देते हैं तो तू अंदर आ जाना। अली इब्न महज़ियार कहते हैं कि 21 साल का सब्र एक तरफ और ये चंद घड़ियां एक तरफ। अब मकाम मकसूद के करीब था, जिसका मैं आशिक था वो माशूक चंद कदमों के फासले पे बैठे हुए थे, मेरा महबूब चंद कदमों के फासले पर था। ये इंतजार मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि कहीं ऐसा ना हो कि इमाम यहां से मुझे वापस कर दें तो क्या गुजरेगी मेरे वजूद पे। चंद लम्हे गुजरे, वो शख्स बाहर आया, का मुबारक हो इसने दुखूल मिल चुका है। का खुशी खुशी पांव कांप रहे थे, उस खेमे के आगे बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उस खेमे के अंदर ना कोई चटाई है, ना कोई चादर है, कुछ भी नहीं है, बस खेमा है और खाक ही खाक है, रेगसार है, और खेमे के अंदर एक बारीक सा पर्दा लगा हुआ है। मुझे खेमे के दर पे जैसे पहुंचा, वहां दो तकिए पड़े हुए थे, अंदर से मेरे मौला ने मुझे सलाम किया, मैंने अपने आका को जवाब दिया और इशारा किया कि यहीं पे बैठ जाओ, कोई 2 फीट के फासले पर जहाँ पे वो तकिए लगे हुए थे, मैं वहाँ बैठ गया। बैठने के बाद मेरे आका ने जो पहला जुमला कहा वो ये कहा कि अली इब्न महज़ियार, 21 साल से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, 21 साल से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा मौला ये तो एतराज़ मुझे करना चाहिए था, आपने ऊपर से मुझ पे कर दिया। मौला 21 साल से तो मैं आ रहा हूँ, मैं तालिब मुलाकात था, लेकिन आप न नज़र आए, न मिले, न कोई पैगाम आया। मौला आप कैसे कह सकते हैं कि आप 21 साल से इंतज़ार कर रहे हैं? अली इब्न महज़ियार, हमारे शियों में कुछ आदतें हैं जिनकी वजह से वो हमारी ज़ियारत से महरूम है। फरमाया मैं मुश्ताक इजारत हूं कि अपनों को अपना चेहरा दिखाऊं, मिलूं। पहली चीज, जितना वो अपने दुनिया के कामों में मसरूफ हैं उतना उनको अपना मौला याद नहीं है, दुनिया में बहुत बिजी हैं, टाइम ही नहीं कि अपने मौला को याद करें, टाइम ही नहीं कि अपने खुदा को याद करें। 24 घंटे में आधा घंटा भी नहीं कि ये जनाब सैयदा की तरह नमाज तहज्जुद का मुसल्ला बिठा कर अपने रब को आवाज़ें दें। तो मैंने कहा कि मौला मैंने तो दुनिया से कब की किनारा कशी की, और आप तो जानते हैं मैं तहज्जुद का पाबंद, नमाजों का पाबंद, मैं तो आपका आशिक हूँ मौला। बोला आप मेरे बारे में ये नहीं कह सकते। इमाम ने कहा तू सच कह रहा है,
तू उनमें से नहीं है, लेकिन अली इब्न महज़ियार तेरे वजूद में एक आदत थी जिसकी वजह से आज तक मेरी ज़ियारत से महरूम था। कहता मैं मुतवज्जे हुआ, बहुत मैंने सोचा मेरी वो कौन सी आदत है, कभी कभी हमारी बात से बात जो हम समझते हैं वो छोटी हैं लेकिन अहले बैत की निगाह में वो बड़ी होती हैं। कभी कभी हम समझते हैं कि ये मेरी कोई आदत किसी को नुकसान नहीं देगी, लेकिन वो बाज़ औक़ात बहुत बड़े नुकसान दे देती है। तो इमाम ने फरमा ली अपने महज़ियार 21 साल से अपनी सगी बहन से नाराज़ था। जब तुमने मेरे शिया से कत ए रहम किया तो तेरे इमाम ने भी तुझसे कत ए रहम किया था। कहा हमने भी देखा 21 साल से आ रहा है लेकिन मुतवज्जे नहीं है। तज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, ये तज़क्कुर जो आपको मजालिस में मिलता है ये तज़क्कुर बहुत अहम है। बार बार खुद को तज़क्कुर दो ताकि तुझे याद आए तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या था, ताकि तुझे याद आए तुम्हारा कोई मौला है, ताकि तुझे याद आए तुम्हारी कोई कब्र है, ताकि तुझे याद आए तुम्हारा कोई खुदा है। इस बार जब हज पे आ रहे थे मैंने तुम्हारे जहन में डाला कि जाओ बहन से इयादत करके आओ। याद है अली इब्न महज़ियार इस साल तो मिल के आया था, कहाँ मिल के आया था कि जब तुमने बहन से सिले रहमी की तो तेरे इमाम ने भी तेरे साथ सिले रहमी की। नमाज पढ़ना सब कुछ नहीं है, मजलिस में आना सब कुछ नहीं है, मातम करना सब कुछ नहीं है। कंप्लीट जब तो खुद को खालिस न बनाओ तो इबादुल मुखलसीन से तुम्हारा मिलना बहुत मुश्किल है। खालिस बनोगे तो खालिस हस्तियों से मिलोगे। सलवात पढ़े मोहम्मद तो नूर नूर को खींचता है, जुल्मत जुल्मत को खींचती है। जितना वजूद में नूर अपनाओगे, इताअत अपनाओगे, पढ़ोगे, मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बह, ये एक छोटा सा जुमला है लेकिन अगर इंसान इस पर अमल करे। उलमा ने किताबें लिखी, मेराज व सआदत पढ़े, जामे व सआदत पढ़े, तज़किए नफ्स पढ़ें, किस तरह खुद को खालिस बनाया जाए। तो जितना नूर आता जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम नूर के करीब होते जाएंगे, और जितनी वजूद में जुल्मत आती जाएगी शयातीन आपको खींचेगी। यहाँ जंग है, पर मैं जुनूद चाल और जुनूद अक्ल 70 सिफात बताई मेरे छठे इमाम, किसके लिए बताई है? 80-80 जिल्दे 70-70 जिल्दे अल्लामा मजलिसी ने, मुख्तलिफ उलमा ने, बिहार अनवार की सूरत में, उसूल काफ़ी की सूरत में, हमारे पास किसके लिए? शियों के लिए ना। तो आज भी अहले बैत गरीब है, एक अहले बैत उन किताबों में हमसे बातें कर रहे हैं लेकिन हम सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दो लश्कर हैं, एक लश्कर शैतान, एक लश्कर रहमान। जब अच्छे काम करते हो तो इस लश्कर की तरफ खिंचाव पैदा होता है, जब बुरे काम करते हो तो ये लश्कर तुझे खींच के ले जाता है। तभी फरमाया कि कयामत के दिन हर इंसान अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। वहाँ कितना भी कहो कि अली मेरा इमाम था लेकिन मौला कहेंगे तुमने मेरी पैरवी तो नहीं की थी, मैं तेरा इमाम कैसे बना? ज़बानी इमाम और है, अमल से साबित करो कि अली तेरा इमाम था। इमाम का मतलब अमाम, वो आगे चले मैं उसके पीछे चलूँ। तो आज मुझे ये देखना है मेरी ज़िंदगी में आगे कौन चल रहा है, शैतान चल रहा है या रहमान चल रहा है। अगर मैं ज़िंदगी में फॉलो इमाम को कर रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा इमाम है। कल इंशाल्लाह बताऊँगा कि इमाम रज़ा निशानियाँ बताते हैं कि हमारे शियों की निशानियाँ क्या हैं, कि वो पहचान सकें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल किसे बनाया। सैयदा की जब ज़ियारत पढ़ते हो तो अहले बैत दुनिया में जितने मसाइब उनके ऊपर आए ये इम्तहान नहीं था अहले बैत का, ये हुज्जत तामा थी हमारे ऊपर। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ। एक मर्तबा मैं इतना नेक हो जाता हूँ खुदा मुझसे इम्तहान लेता है ताकि मेरे दर्जात को और रफ़ी करे, बुलंद करे, लेकिन एक मर्तबा मैं हूँ ही बुलंद तो खुदा इम्तिहान क्यों लेगा? जिनके लिए खुद कहे इन्नमा युरीदुल्लाह, तो उनसे कैसा इम्तिहान? यानी ऐसा तो नहीं अहले बैत का ईमान 7% था तो खुदा उसको 100 पे ले जाना चाहता है तो उसके लिए वाकई करबला का होना ज़रूरी था, या उसके लिए जनाब सैयदा के पहलू पर आग का दरवाज़ा गिरना ज़रूरी था? नहीं, ऐसा नहीं। जनाब सैयदा की ज़ियारत के जुमले हैं, आए वो बीबी
اس سے پہلے کہ آپ سے دنیا میں امتحان لیا جائے آپ سے پہلے امتحان لیا گیا تھا. اہل بیت کا وہ وجود ہے ان سے امتحان کسی اور عالم میں لیا گیا ہے, یہاں ان سے امتحان لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر یہ مصائب کیوں ہیں؟ فرمایا یہ ہم جیسے لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے کہ تم دیکھو اگر میں نے اہل بیت کو یہ مقام دیا ہے تو یہ اس مقام کی قابلیت رکھتے تھے, اب تیرے اوپر حجت تمام ہو گئی کہ زمین پر اگر کوئی حجت خدا ہے تو فاطمہ زہرا ہے, زمین پر کوئی حجت خدا ہے تو امیر المومنین ہے, اور تم ان حجتوں کو دیکھ کر بھی اگر نہیں مانو گے تو پھر تیرے نصیب میں جہنم ہے, اور اگر تم ان حجتوں کو دیکھ کر بھی ان کی پیروی نہیں کرو گے تو اشد العذاب کا انتظار تمہیں کرنا ہوگا اور خالدین فیہا میں تمہارا شمار ہو جائے گا. تو یہ حجت اللہ ہے اور جناب سیدہ اہل بیت پر حجت ہے, اس لیے کا مقام بہت بلند ہے کہ اہل بیت فرماتے تم جب دعائیں کرتے ہو خدا کو ہمارا واسطہ دیتے ہو, لیکن جب میں رضا دعا کرتا ہوں تو خدا کو اپنی دادی زہرا کا واسطہ دیتا ہوں. جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم تسکین کے لیے اپنی دادی کا واسطہ دیتے ہیں. بہت عظیم بی بی کہ چھٹے امام کا زمانہ ہے, ایک شخص امام کو کہتے مولا کسی شخص کو پکڑ لیا گیا ہے اور اسے اس کا سر قلم کیا جا رہا ہے. امام نے کہا کیوں, کس جرم میں؟ کا مولا وہ چل رہا تھا اس کا پاؤں پھسل گیا اور پھسلنے کے بعد وہ پہلو کے بل زمین پہ گرا, اور جیسے گرا تو اس نے سیدہ زہرا کے قاتل کا نام لے کر اس پہ لعنت کی. امام نے کہا مسجد میں جمع ہو جاؤ, میں اس اپنے چاہنے والے کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. چھٹے امام نے دعا کی, امام نے کہا جاؤ, وہ آزاد ہو گیا, واقعا آزاد ہوا, اس کو لے کر آئے مولا کی خدمت میں. امام نے اسے آگے بٹھایا, کہا مومن یہ تو بتا جب تو گرا تھا میری دادی کا قاتل تجھے یاد کیوں آیا؟ کہا مولا میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی, مولا جب میں گرا تو میری پسلی ٹوٹی نہیں لیکن پسلی کا درد بڑا تھا. یہی سوچ کے رو رہا تھا کہ جب ایک پسلی کو چوٹ لگی ہے مجھے اتنی تکلیف ہوئی, آپ کی دادی کو کتنی تکلیف ہوئی. مولا میں نے تبھی آپ کی دادی کے قاتل پہ لعنت بھیجی ہے, یہ سچ ہے. تبھی امام رضا فرماتا ہے شیعوں کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا. ہر مصیبت برداشت کر سکتے ہیں پر اپنی دادی کی مصیبت یہ دن ہے جناب سیدہ زینب کی یتیمی کے دن, آقا حسین کی یتیمی کے دن. دلوں کو کربلا لے جاؤ, اللہ ان آنکھوں کو جنت البقیع کی زیارت نصیب کر. آیت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کسی نے کہا اللہ ما یہ بتا یہ مردوں میں سب سے بڑا مظلوم مردوں میں سب سے بڑا مظلوم علی ہے کیونکہ کسی امام کے سامنے اس کی بیوی پہ آگ کا دروازہ نہیں گرایا گیا تبھی کسی صحابی نے مولا سے ایک سوال کیا علی کا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا سوال کیا یا علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ جیسے پوچھنا تھا علی بچوں کی طرح زمین میں بیٹھ کے اور زاروں قطار رونے لگے کہ مولا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کریے گا کہ تو نے سوال ایسا کیا علی کے زخم تالا ہو گئے کہ مولا میرا جواب دیجئے فرمایا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے مرد پاتے بدر و حنین ہو مرد پاتے خیبر و خندق ہو اور اس کے سامنے اس کی بیوی پہ آگ کا دروازہ اتنا مجبور ہو کچھ کر بھی نہ سکے نبی کی وصیت تھی علی تلوار نہ اٹھانا فرمایا سیدہ کا جنازہ اٹھا جب دفن کے لیے لے جانے لگے علی مولا کو کسی بی بی کے رونے کی آواز فرمایا حسن یہ کس کے رونے کی آواز کہ بابا یہ زینب کے رونے کی آواز کہ حسن زینب کو گھر لے جا میں نہیں جاتا زینب کے رونے کی آواز کوئی سنے یا علی شیعہ تیری غیرت پہ قربان علی جہاں آپ بھی علی ہے اور سجاد بھی علی ہے لیکن میں قربان سجاد کی مظلومیت پہ اور ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں اور شرابی کے دربار میں پروردگار جہل بیت کی مظلومیت کا باعث مولا علی کی غیرت کا باعث اس قوم کے جوانوں کی غیرت کی حفاظت فرما ہمارے خواتین کے حیا و عفت کی حفاظت فرما ہم سب کو سیرت علی اور سیرت فاطمی پر چلنے کی توفیق نصیب کر ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما ان آنکھوں کو امام زمانہ کی ضیافت نصیب فرما حاضرین اور بانیان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما تب تک موت نہ دینا تب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کر دینا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العليم السلام